हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आज़ाद कट हियर। गाइस, ये वीडियो गाउन के ऊपर है। मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको गाउन के फोल्ड्स कैसे ड्रॉ करने हैं, और अगर आपको कोई हैवी गाउन इलस्ट्रेट करना है जैसे मैंने इस इलस्ट्रेशन में शो किया है, तो उसके लिए आपको कैसे फोल्ड्स में कलरिंग करनी चाहिए, कैसे फोल्ड्स मार्क करने चाहिए ताकि जो गाउन है वो हैवी लगे, और फिर आप इस टेक्निक को यूज़ करके आप भी ऐसी ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, हम फोल्ड्स ड्रॉ करेंगे, और मैं अभी सबसे पहले साइड वाला फोल्ड ड्रॉ कर रही हूँ। जब हमने गाउन को हैवी शो करना हो तो उसके लिए हमें ज़्यादा फोल्ड्स शो करने पड़ते हैं, और साथ ही क्योंकि ये बॉल गाउन है तो इसकी जो लुक है वो ऐसी आएगी कि वेस्ट की तरफ जो फोल्ड्स का एरिया है वो कम होगा, हेमलाइन की तरफ जो फोल्ड्स का एरिया है वो ज़्यादा होगा। सो जब हम दोनों साइड के फोल्ड्स मार्क करेंगे तो हम एक डायगनल मैनर में मार्क करेंगे, एक कर्व लगा लेंगे जैसे मैंने लगाया है। आप चाहें तो पहले स्केल के थ्रू स्लांटिंग लाइन लगा के, डायगनल लाइन लगा के फिर उसकी कर्विंग कर सकते हैं, और ऐसे ही हम एक रफ़ लाइन लगा के हेम लाइन क्रिएट कर लेंगे। आप देख रहे हैं मैंने ये कर्व लगाया, एक रफ़ हेम लाइन मैंने क्रिएट कर ली। उसके बाद हम एक और साइड का फोल्ड मार्क करेंगे जो थोड़ा सा छुपा हुआ शो करेंगे हम, कि थोड़ा सा पीछे की तरफ छुप गया। सो जो साइड के फोल्ड्स हैं वो हम थोड़े आधे ही मार्क करेंगे, पूरे वेस्ट से नहीं लेके आएंगे, थोड़ा नीचे से स्टार्ट करेंगे, और हेमलाइन पर हम एक पॉइंट्स लगा लेंगे, डिस्टेंस मार्क कर लेंगे कि इतने इतने पॉइंट पर हमने जो दूसरा फोल्ड है वो शो करना है। सो मैंने ये पॉइंट्स मार्क कर लिए, ऐसे रफ़ आइडिया लेके मैंने पॉइंट्स मार्क कर लिए। अब इन सभी पॉइंट्स को हम वेस्ट के पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। सो आप देख रहे हैं कि मैं कैसे फोल्ड्स मार्क कर रही हूँ, इन सभी पॉइंट्स को मैंने वेस्ट के पॉइंट से मार्क कर दिया, और ये हमारे फोल्ड्स बनते जाएंगे। सो गाउन के जो फोल्ड्स हैं वो हम इसी तरह से मार्क कर लेंगे। सो गाइज, आप देख रहे हैं कि मैंने कितने सारे फोल्ड्स मार्क कर लिए, क्योंकि हमने गाउन को हैवी शो करना है सो इतने ज़्यादा फोल्ड्स का मार्क करना ज़रूरी है। आप फोल्ड्स की जो आपने विड्थ शो करनी है वो आप कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। अब हम इसकी साथ ही हेमलाइन भी मार्क कर लेंगे, हर एक फोल्ड का जो नीचे का पोर्शन है वो हम मार्क कर लेंगे। सो गाइज, जो फोल्ड फ्रंट की तरफ आ रहा है, सेंटर फोल्ड है, उसमें मैंने ऐसे ही कर्व दे दिया। जो उसके साइड का फोल्ड है उसमें मैंने थोड़ा सा पोर्शन अंदर की तरफ फोल्डेड दिखा दिया, और बाकी जो साइड के फोल्ड्स हैं उसमें भी मैं ऐसे ही कर्व ऐड कर रही हूँ। सो ये आप भी चाहें तो सिंपल कर्व ऐड कर दें, चाहे तो थोड़ा सा जो फोल्ड है वो अंदर की तरफ फोल्डेड दिखा दें। सो ये आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे हेमलाइन मार्क कर सकते हैं। सो ये मैंने सारे फोल्ड्स की जो हेमलाइन है वो मार्क कर ली, गाउन की हेमलाइन मार्क हो गई, और अब मैं जो बॉडीज़ पार्ट है उसकी भी सिलोवर ड्रॉ कर लेती हूँ। जो मैंने बॉडीज़ पोर्शन शो करना है गाउन का, सो उसकी भी मैं सिलोवर ड्रॉ कर रही हूँ। फोल्ड्स में कलरिंग हम बाद में करेंगे, पहले हम डिज़ाइन मार्क कर लेंगे जो हमने गाउन में शो करना है। सो मैं सबसे पहले वो डिज़ाइन बना रही हूँ, बॉडीज़ पोर्शन पे बना रही हूँ, फिर जो स्कर्ट पोर्शन है उस पर बनाऊँगी, और ब्लैक माइक्रोन पेन से मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। और मैंने इस डिज़ाइन में कलरिंग नहीं करनी, जस्ट एक तरीका है इलस्ट्रेशन क्रिएट करने का, आप चाहें तो कलरिंग भी कर सकते हैं। मैंने इसमें कलरिंग नहीं करनी, मैं सिर्फ ब्लैक पेन से ही इसको हाईलाइट करके छोड़ दूँगी, क्योंकि ऐसे भी अच्छी लगती है इलस्ट्रेशन। सो ये अपनी अपनी टेक्निक्स हैं इलस्ट्रेशन बनाने की, आप चाहें तो कलरिंग भी कर सकते हैं, चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और इसी डिज़ाइन को अब मैं थोड़ा और मोटा कर रही हूँ, क्योंकि मैंने फिलिंग नहीं करनी, मैंने आपको बताया। सो इसलिए मैं ब्लैक पेन से ही डिज़ाइन को कम्प्लीट कर रही हूँ। सो मैं पूरा डिज़ाइन ऐसे ही कम्प्लीट कर लेती हूँ। जो डिज़ाइन मैंने बॉडीज में शो किया वही डिज़ाइन मैं स्कर्ट पोर्शन पे शो कर रही हूँ। हालांकि मैंने
जो सेंटर पोर्शन है फोल्ड्स का, मींस वर्टिकली अगर हम देखें तो वेस्ट के राउंड मैं डिज़ाइन शो करूँगी, और जो हेमलाइन है नीचे से आता हुआ डिज़ाइन मैं ऊपर की तरफ शो करूँगी, बट सेंटर में जो एक फोल्ड है उसका जो सेंटर एरिया है वो मैं ब्लैंक छोड़ूंगी। उसमें मैं कलर शो करूँगी, जो मैंने गाउन का कलर शो करना है वो मैं उसमें शो करूँगी। जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ ब्लैक पेन से उसमें मैंने कलर नहीं शो करना, उसको मैं ऐसे ही वाइट ही रहने दूँगी। सो मैं ये पूरा डिज़ाइन बना के कंप्लीट कर लेती हूँ गारमेंट को। सो गाइज़ आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा डिज़ाइन बना लिया, जो डिज़ाइन मैंने बॉडीज में शो किया था सेम वही डिज़ाइन मैंने स्कर्ट पोर्शन पे बनाया है। आप अपनी चॉइस का कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि मैंने वेस्ट के अराउंड और हेमलाइन के अराउंड डिज़ाइन शो करना है, सेंटर में मैंने थोड़ा सा खाली छोड़ा है। सो सेंटर में मैं कलर फिल कर रही हूँ, मैंने लाइट ब्लू कलर सिलेक्ट किया है इसके लिए, क्योंकि ऐसे गाउन्स के साथ पेस्टल कलर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो मैंने लाइट कलर सिलेक्ट किया है, वैसे तो कोई और कलर भी आप चाहें तो रेड ब्लू मींस डार्क ब्लू कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं, मुझे पेस्टल कलर ऐड करने थे सो इसलिए मैंने लाइट ही रखा है कलर। मैंने लाइट ब्लू कलर ऐड किया सिर्फ सेंटर पोर्शन में, और उसके ऊपर मैं वाटर अप्लाई कर रही हूँ। सो इसी तरह आप अगर चाहें तो जो हमने डिज़ाइन बनाया है जो मैंने ब्लैक पेन से, उसके बीच में भी फिलिंग कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। सो ये मैंने पूरे पे वाटर अप्लाई कर दिया, और जो मैंने फेस और हेयर हैं वो भी मार्क कर लिए, फेस के फीचर्स बना लिए। जो वेल है गाउन के साथ मैं वो मार्क कर रही हूँ पेंसिल से। सो जब तक वाटर ड्राई हो रहा है तब तक हम बाकी की इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं। फोल्ड्स तो हमने मार्क कर लिए, बट फोल्ड्स को 3D लुक देने के लिए हम ब्लैक कलर यूज़ करेंगे। सो आप भी ब्लैक कलर ही यूज़ करेंगे, हम ब्लैक कलर लेंगे और जो फोल्ड की लाइन है आप देख रहे हैं, जो लाइन है जो एक फोल्ड को दूसरे फोल्ड से अलग कर रही है, उस लाइन को हमने हाईलाइट करना है ब्लैक कलर से। सो जो मैंने ब्लैक पेन से फोल्ड की लाइन बना रखी है आप देख सकते हैं, उसी के ऊपर मैं ब्लैक कलर अप्लाई कर रही हूँ। शार्प कर लेंगे हम कलर को, और आपने अप्लाई इस मैनर में करना है कि जो नीचे का एरिया है, जो हेम पोर्शन है हमारा, जो हेम लाइन है हमारी, वहाँ पे हमने ब्लैक कलर को थोड़ा सा मोटा अप्लाई करना है, और ऊपर की तरफ वेस्ट की तरफ और सेंटर की तरफ हम थोड़ा पतला रखेंगे। ब्लैक कलर से जो हम लाइन अप्लाई कर रहे हैं उसको हम नीचे की तरफ मोटा रखेंगे और ऊपर की तरफ से पतला रखेंगे। आप देख रहे हैं कि जो नीचे का पोर्शन है, जो मैं हेमलाइन से कलर अप्लाई करते करते ऊपर की तरफ आ रही हूँ, सो हेम के अराउंड मैंने मोटा रखा है कलर, जो लाइन अप्लाई की है मैंने मोटी रखी है और ऊपर की तरफ मैंने पतली रखी है। सो आपने भी इसी मैनर में ब्लैक कलर अप्लाई करना है, नीचे की तरफ थोड़ा सा मोटा और ऊपर की तरफ वेस्ट की तरफ जाते जाते हम लाइन को पतला कर देंगे, बारीक कर देंगे हम लाइन को। साथ ही जो हेमलाइन है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, जो हमने कर्व्स दिए हैं फोल्ड्स के नीचे, हम उसको भी ब्लैक कलर से ही हाईलाइट कर लेंगे, थोड़ी सी शेडो ऐड कर देंगे और उनको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। सो ये मैंने फिलिंग कर दी थोड़ी सी फोल्ड्स की, जिससे कि 3D लुक आए। अब हम बेस कलर लेंगे, जो मैंने बेस कलर ऐड किया है मैं वही ले रही हूँ। सो आपने पहले वही कलर लेना है, बेस कलर ही लेंगे, और सबसे पहले हम बेस कलर से थोड़ा फोल्ड को 3D बनाएंगे। आप देख रहे हैं फोल्ड की जो लाइंस हैं उसके अराउंड हमने डार्क मैनर में कलर अप्लाई कर देना है, सेंटर में हम लाइट छोड़ देंगे, और जो साइड के फोल्ड्स हैं उसमें आपने एक लाइन के अराउंड ही कलर अप्लाई करना है। आप देख रहे हैं जैसे मैं साइड की तरफ जा रही हूँ, सो एक फोल्ड की जो एक लाइन है उसके अराउंड ही मैंने कलर अप्लाई किया, दूसरी लाइन के अराउंड मैंने नहीं किया। एक लाइन के बेसिकली एक लाइन के पीछे हम शेडो ऐड करते हैं। सो ये वही स्टेप है कि जो फोल्ड लाइन आ रही है उसके पीछे की तरफ हम डार्क मैनर में कलर अप्लाई कर देंगे, और सेंटर पोर्शन हम लाइट ही रखेंगे।
सो आप देख रहे हैं मैं जो ब्लू कलर अप्लाई कर रही हूँ, जो लाइन आ रही है फोल्ड की, उसके अराउंड ही कर रही हूँ। सेंटर तक जाते जाते कलर को मैंने लाइट कर दिया और सेंटर में बिल्कुल खाली छोड़ दिया। और इसमें मैंने जो ब्लू कलर अप्लाई किया है वो मैं वेस्ट से नीचे हेमलाइन की तरफ पूरा लेके आई हूँ, ताकि जो फोल्ड्स हैं उनकी पूरी लुक का है, 3D लुक का है। इसलिए मैंने जो कलर अप्लाई किया है वो मैंने ऊपर से लेके नीचे तक अप्लाई किया है। अब हम लेंगे डार्क कलर। सो मैंने यहाँ पे डार्क ब्लू लिया है और उसको हम फोल्ड के अराउंड सेम उसी मैनर में अप्लाई करेंगे जैसे हमने अभी रिसेंटली जो हमने स्टेप किया उसमें हमने कलर अप्लाई किया। सो सेम उसी मैनर में हम डार्क कलर अप्लाई कर देंगे। फोल्ड की जो लाइंस है उसके अराउंड हम थोड़ा सा ये डार्क कलर अप्लाई कर देंगे। सेंटर तक नहीं लेके आना, सिर्फ लाइंस के अराउंड ही ये डार्क कलर अप्लाई करना है। सो जैसे मैंने लाइट ब्लू कलर अप्लाई किया बस वैसे ही मैं ये डार्क ब्लू कलर अप्लाई कर दूंगी फोल्ड की जो लाइंस है उसके अराउंड। सो गाइज मैंने पूरी फिगर कंप्लीट कर ली, मैंने फोल्ड्स कंप्लीट कर लिए और फोल्ड्स का काम हमारा ख़त्म हो गया। और अब देख सकते हैं कि फोल्ड्स की 3D लुक भी आ रही है। अब मैं जो वेल है वो कंप्लीट कर रही हूँ, वही डिज़ाइन मार्क कर रही हूँ ब्लैक पेन से, जो मैंने बॉडीज पोर्शन पे मार्क किया है, बस स्पेस छोड़ छोड़ के मार्क कर रही हूँ। और जो ब्लू कलर है, डार्क ब्लू कलर, लाइट ब्लू नहीं लेना, डार्क ब्लू कलर लेंगे, और उससे जो वेल के फोल्ड्स आ रहे हैं, सिलुएट आ रही है, उसको हाईलाइट कर रही हूँ और बीच में थोड़ी सी फिलिंग कर दूंगी इसी ब्लू कलर से। सो ये जो हमारा वेल है वो कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा नहीं भरना, बस थोड़ा थोड़ा ही फिलिंग करेंगे हम। सो गाइज हेयर इज़ द कम्प्लीट इलास्ट्रेशन और आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी लुक आई है इलास्ट्रेशन की। जो फोल्ड्स हैं वो भी एकदम 3D लुक दे रहे हैं। आप भी इस टेक्निक को यूज़ करके ऐसी इलास्ट्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।